दोस्तों आपने अक्सर मुझे देखा होगा, मतलब एडीज एम्पायर को देखा होगा कि कहीं भी कुछ भी इनजस्टिस होता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, तो मैं अपनी आवाज उनकी आवाज के रूप में आगे जरूर बढ़ाता हूं। मैं हमेशा जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ता हूं और मैंने ज्यादातर वीडियो जो है ना वो सच्चाई का साथ देते हुए बनाया है। लेकिन भाई जब भी आप सच्चाई का साथ देते हो ना, एक चीज जरूर होती है, वो होती है आपको धमकी मिलना। जी हाँ दोस्तों, धमकी मिलना। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जो कि था प्रतिदिन टाइम के ऊपर, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद, मतलब लोगों के पास पहुंचने के बाद मुझे धमकी मिला है, जबकि उस वीडियो में मैंने कोई भी कुछ भी गलत बात नहीं कहा था। और आप अगर देखना चाहते हो ना तो आई बटन दबाओ, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप चेक करो और मुझे बताओ कि मैंने क्या कुछ गलत कहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुझे कहा जा रहा है, मतलब ब्लेम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मुझे धमकाया जा रहा है। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद प्रूफ, और साथ साथ भाई मैं क्या कहना चाहता हूं उसको, मैं क्या रिप्लाई देना चाहता हूं वो भी आप जरूर सुनेंगे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं रिप्लाई देता हूं। और साथ साथ अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, आप देखना चाहते हो मेरे व्लॉग्स, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वो मैसेज आपको पढ़ करके सुना देना चाहता हूं। मैं नाम नहीं दिखाऊंगा कि ये किसने लिखा है, लेकिन मैं मैसेज आपको पढ़कर जरूर सुना दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। जो इशू था, मतलब कि वो था नवजीत, उसके बाद फिर अपुन पेगू और जो है आद्यश्री, इनका वोटिंग नंबर गलत देने को लेकर के था। उसके ऊपर मुझे क्या कमेंट किया जा रहा है, देखिए ये भाई साहब उस न्यूज चैनल के ऊपर आवाज नहीं उठा रहे, ये नहीं कह रहे कि न्यूज चैनल ने गलत किया है उसको माफी मांगना चाहिए, ये नहीं कह रहे, लेकिन वो मुझे ब्लेम कर रहे। वो क्या कह रहे, इस इशू को लेकर दूसरा मुद्दा शुरू हुआ तो आसाम में कल, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका यूट्यूब चैनल का होगा। भाई मतलब मुझे कहा जा रहा है कि अगर असम में कोई दंगा शुरू हो जाता है इस वीडियो को लेकर के, तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर जाएगा। भाई मुझे ये बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्या उसमें कोई भी मैंने भड़काऊ बात कहा है जिससे कि कहीं दंगा भड़क जाए? भाई ये किस मेंटेलिटी के लोग हैं, ये किस मेंटेलिटी के इंसान है, ये कह रहे हैं कि दंगा भड़क सकता है। भाई किस तरह से भड़केगा दंगा? उसमें मैंने एक पर्टिकुलर जो है न्यूज चैनल को मैंने ये कहा कि इस न्यूज चैनल ने गलती किया, ये गलती किया, मैंने गलती भी दिखाया। तो भाई वो गलती को पॉइंट आउट करना कहीं पर दंगा भड़काने वाली बात है क्या? आप लोग मुझे जरूर बताएं। दूसरी बात, ये भाई साहब मुझे बता रहे हैं बोडो पीस अकॉर्ड के बारे में, मतलब बोडो कम्युनिटी से बहुत सारे कमेंट आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो एसएमएस लोग हैं वो हमें देख नहीं सकते। मैं एक बात बोडो जो भी मेरे भाई हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि देखो भाई, इस तरह से एक की गलती के लिए, मतलब ये जो गलती था, ये गलती जो था ना, ये गलती प्रतिदिन टाइम का था, इसके लिए पूरी एक कम्युनिटी को ब्लेम करना बहुत ज्यादा गलत होगा। मैं आपको बता देता हूं कि देखो भाई, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान अगर गलती करता है तो उसके लिए आप पूरे कम्युनिटी को रेस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं ठहरा सकते। जिस तरह से अगर कोई एक बोडो भाई गलती कर दे तो वो हम पूरे बोडो कम्युनिटी को गलत कभी भी नहीं कह सकेंगे। अगर एक नागा भाई गलती कर दे तो पूरे नागा कम्युनिटी को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलती करने वाला पर्टिकुलर वो इंसान या फिर वो कंपनी हो सकता है। जिस तरह से यहां पर न्यूज चैनल जो है वो पर्टिकुलरली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए उसको माफी मांगना चाहिए। तो बोडो पीस अकॉर्ड में क्या है भाई, ये सब मुझे मत समझाओ आप, ये सब जो है ये भाई आपको समझाने की जरूरत है अपने ही भाइयों को, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप उनको समझाइए। इसके बारे में मुझे समझा करके कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ना ही मैंने बोडो अकॉर्ड को देखा है, ना ही मैंने पढ़ा है असम अकॉर्ड, जो भी जिसकी आप बात कर रहे हो, मैंने पीस अकॉर्ड, बोडो पीस अकॉर्ड, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं मेरे भाई, तो मुझे मत बताओ। दूसरी बात, यहां पर देखिए
ये क्या लिख रहे हैं, हर बार कोई एक छोटा मुद्दा लेकर स्टेट डिमांडिंग कर रहा है। मतलब वो देखो भाई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी क्यों कर रहा है, वो आपको उनको समझाने की जरूरत है कि देखो भाई आप हमारे ही भाई हो, अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर कर ले, देखिए हम आपके अगेंस्ट में नहीं है, हम प्यार करते हैं आपसे, आप हमारे भाई हो, इस तरीके का बिहेवियर आप दिखा दो ना भाई, आप उल्टा यहां पर भड़क रहे हो। अगर इस मुद्दे पर आपने ये कहा होता कि भाई मैं ये जो न्यूज़ चैनल है मैं इसके अगेंस्ट में हूं, इसने बहुत बड़ा गलती किया, इसे माफी मांगना चाहिए, अगर आप ये कहते मेरे भाई तो कोई भी आपको कभी भी उंगली नहीं उठाता, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो। उसके साथ साथ ये मुझे लिख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स गलती हुआ तो वो लोग रिप्लाई देंगे। हाँ वेरी सही, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही, न्यूज़ चैनल्स रिप्लाई देंगे, इसके लिए कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कह रहे कॉमन पीपल एंड कम्युनिटी का नेम लेकर क्यों वीडियो बना रहे हो। भाई मैंने कब कॉमन पीपल और कम्युनिटी का नेम लिया मुझे ये जरा बता दो। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा, ये भाई साहब बिना वीडियो को देखे हुए यहां पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे कि मैंने एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी के बीच में, उनके बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश की, मैंने न्यूज चैनल का नाम लिया, मैंने कहीं भी कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया कि ये कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल है ऐसा काम करने के लिए। भाई मैंने तो न्यूज चैनल को रेस्पॉन्सिबल कहा था, आप किस दुनिया से उठ करके आए हो, वीडियो पूरा देखो उसके बाद कमेंट करो। मैं एक टीचर हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करता हूं जो अनकंस्टिट्यूशनल हो, मुझे अपना राइट भी पता है, दूसरे का राइट भी पता है और मुझे मेरी ड्यूटी भी पता है। याद रखिएगा आप जिस तरह से राइट है ना भाई, मुझे राइट और उसके साथ साथ ड्यूटी का बारे में भी पता है, तो आप इस बारे में मुझे ना ही सिखाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मेरा है, मैं किसी के गलती को पॉइंट आउट कर सकता हूं मेरे भाई। उसके साथ साथ यहां पर बहुत सारा बातें लिखा गया, उल्टा पुल्टा वीडियो बनाकर वायरल किया, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, बिल्कुल सही, एक न्यूज चैनल ने गलती किया, उसने गलत नंबर दिखाए जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, एक न्यूज चैनल जो कि नेशनल लेवल पर है। आप क्या सोचते हो, नेशनल लेवल पर एक गलत न्यूज की वजह से कितना कुछ हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो ये उसका गलती है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप गलत किसी और को गलत नहीं ठहरा सकते। देखो न्यूज को न्यूज की तरह लो, ऐसा ये कह रहे हैं भाई, न्यूज को न्यूज की तरह ही लिया जाएगा, लेकिन न्यूज का मतलब क्या है, फॉल्स न्यूज स्प्रेड करना या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये क्या न्यूज का जो है यही काम है। अगर ये काम है ना भाई, तो ऐसे न्यूज को मैं न्यूज की तरह नहीं लेता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उस वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है, जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैंने एक न्यूज चैनल को कहा है और उस न्यूज चैनल का नाम है, मैंने नाम भी बता रखा है, प्रतिदिन टाइम ने गलती की, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, और ये वीडियो जो है ना पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों के कमेंट आने के बाद, बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आने के बाद मैंने वीडियो बनाया था, मैं आपको समझा दूं। और भाई कोई भी अगर देखो, मैं फिर से दोबारा से जाते जाते एक सीख देता हुआ चलूं कि एक पर्टिकुलर इंसान की गलती के लिए आप पूरे कम्युनिटी को कभी भी दोष नहीं दे सकते हो। और ये जो भाई साहब है जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मैं आपको बताऊं कि भाई आप पूरा वीडियो देखें, मैंने क्या कहा है वो देखें, उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैंने कहां पर क्या गलत कहा है। आप मेरा सपोर्ट ही करोगे अगर आप वीडियो पूरा देखोगे और अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हो तो। भाई यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, आप चाहते हो कि मैं इस भाई का सपोर्ट करो, तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो इस बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।